शहरा आफाक मशहूर बॉक्सर माइक टायसन की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। माइक टायसन स्वीडन के शहर में अपने दोस्त उमर अब्दुल्ला और मशहूर स्वीडन के बॉक्सर जो डू जैक के साथ नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गई है जिसमें देखा जा सकता है कि तीनों नमाज अदा कर रहे हैं। जोडू जैक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह वीडियो वायरल की है और उसने इसमें बताया है कि हम तीनों भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला नाम शख्स नमाज की इमामत करा रहा है जबकि पीछे माइक टायसन और जोडू जैक जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। माइक टायसन ने 1993 में इस्लाम कबूल कर लिया था जब वो जेल में थे। उसके बाद 1995 में वो जेल से निकल आए। उन्होंने अपना नाम मलिक अब्दुल अज़ीज़ रखा और उसके बाद 2011 में उन्होंने सऊदी अरब आकर उमरा भी अदा किया था। माइक टायसन बहुत ही मशहूर बॉक्सर गुजरे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। उन्होंने 58 से ज़्यादा फाइट लड़ी हैं जिसमें वो 50 जीते हैं। मोहम्मद अली से वो बहुत ज़्यादा मुतासर थे और उनके साथ अक्सर उनकी मुलाकात। वैसे के मशहूर दो बॉक्सर मोहम्मद अली और माइक टायसन दोनों ने इस्लाम कबूल किया। दोनों का मज़हब पहले क्रिश्चियनिटी था और दोनों का रंग भी काला था और दोनों को बहुत ज़्यादा मुतासरबाना रवैयों का सामना करना पड़ता था और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये दो नाम बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत बड़े नाम हैं और इनका लेजेंड और किंग माना जाता है।